functions, visual basic, और यहां पे हम हमारा जो बुक फोर है उस बुक फोर पे आते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहां देखते हैं फंक्शन फंक्शंस, और हमने काउंट डे सी डे के नाम से बनाया। इसमें एक हमारा स्टार्ट डेट है एस एज ए डेट, और दूसरा एंड डेट होगा ई एज ए डेट, एंड नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हो जाएगा कि डी एज ए स्ट्रिंग, कि कौन सा डे काउंट करना, जैसे संडे ही हो कुछ और भी हो सकता है, तो हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। अब यहां पे हम जो है देंगे लूप, अब यहां पे हम देंगे फोर लूप, कि फोर I इक्वल टू चले S टू E, क्यों, क्योंकि डेट जो आप देख रहे हैं ये डेट है लेकिन एक्चुअली होता ना तो नंबर ही है, तो हम डिफरेंस लगा के फिर हम लूप लगाए, उससे अच्छा है कि हमने डायरेक्टली लूप लगा दिया है कि फोर I S से चले E तक, तो कि स्टार्ट डेट से चले एज ए, ठीक है, स्टार्ट डेट से उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया कि डिम पी एज ए स्ट्रिंग, और यहां किया पी इक्वल टू फॉर्मेट, जैसे एक्सेल में टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है ऐसे यहां पे फॉर्मेट होता है आई कॉमा तीन बार डी डी ताकि डे निकाला जाए। फिर कंडीशन होगा कि इफ पी इक्वल टू डी देन, एक इंटीजर ऊपर लेना पड़ेगा कि डिम के एज ए इंटीजर जिसपे काउंट स्टोर होगा, तो के इक्वल टू के प्लस वन और यहां पे एन और नेक्स्ट आई और लास्ट में C डे इक्वल टू K। तो एक बार इसको रन करता हूं उसके बाद मैं इसके बारे में समझाता हूं। इक्वल C डे और लीजिए इक्वल टू सी डे स्टार्ट डे कॉमा एंड डेट, और यहां पे लगेगा फॉर्मूला संडे का या सैटरडे, तो फोर आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, अब ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, हमने यहां पे एस ई और डी लगाया, तो स्टार्ट डेट एस पे स्टोर हो गया, एंड डेट जो हमने सिलेक्ट किया ई पे स्टोर हुआ, और जो मैंने सैटरडे एंड संडे सिलेक्ट किया वो हमारा डी पे स्टोर हो गया, डे मतलब डी पे स्टोर हो गया। हमने लूप लगाया कि आई इक्वल टू एस से चले ई तक, और हर एक नंबर आई को चेक करे उसका कन्वर्ट करे उसके डे में, जैसे हम टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे जो कि पर्टिकुलर डेट को डे में कन्वर्ट करता था, और फिर इफ चेक करेगा कि P इक्वल टू D है, मतलब कि जो डेट हमने फॉर्मूला के बाहर लिखा है क्या वही डेट है, तो अगर ऐसा हुआ तो के ऊपर एक स्टोर कर दो, और ये प्रोसीजर को चलाते रहो कब तक, जब तक कि डेट हमारा खत्म नहीं हो जाता। तो यहां पे सी डे क्या है के ऊपर के स्टोर कर दो, के पे जितना नंबर स्टोर हुआ मतलब उतना संडे है,
आप बताइए नरेश जी, कुलदीप जी एंड संदीप जी, कोई डाउट इसमें? नरेश जी कोई डाउट? नहीं है सर, नहीं है सर। संदीप मकवाना जी, आपको कोई डाउट है? चलिए अब इसमें दूसरा लगाते हैं कि अगर मैं महीने का स्टार्ट डेट डालूं, जैसे मैंने अगस्त का डेट यहां डाला और मुझे पता करना है कि जो महीने अगस्त का डेट हमने जो डाला हुआ है, ये अगस्त का डेट में ये हमें पता करना है कि इसका सेकेंड सैटरडे का डेट कौन सा है। तो मुझे सेकेंड सैटरडे का डेट पता करना है अगर हम किसी मंथ की स्टार्टिंग डेट को रखते हैं। चलिए तो यहां पे देंगे फंक्शन और यहां पे देते हैं एनडे, एनडे के नाम से ब्रैकेट ओपन, ई एज ए डेट, उसके बाद एक नंबर है आपका एन एज ए इंटीजर और एक आपका डे है, कौन सा सैटरडे चाहिए कौन सा चाहिए एज ए स्ट्रिंग। तीन इनपुट हमने ले लिए एज पर रिक्वायरमेंट और उसके बाद यहां पे लूप चलाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले ई टू। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है कि इसका महीने के आखिरी डेट तक चल रहा है, तो महीने का आखिरी डेट कैसे लगेगा, क्योंकि हर महीने का आखिरी डेट तो अलग अलग होता है ना, संडे मंडे ट्यूजडे अलग अलग होता है, फिर किसी के 30 होता है, किसी के 28, किसी को 29, किसी के 31, तो अलग अलग डेट्स होते हैं। तो यहां पे ईओ मंथ लिख सकते हैं, जैसे ईओ मंथ हमने बाहर लगाया था, लेकिन ईओ मंथ जो है सपोर्ट नहीं करता है वीवी को, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। तो यहां पे हम देंगे इक्वल एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ और यहां पे देंगे ई कॉमा जीरो, तो एक एंड डेट निकाल के दे देगा। और सेम यहां पे एक मान लीजिए कि लेते हैं कि पी डिम, पी एज ए स्ट्रिंग और यहां पी इक्वल टू फॉर्मेट और यहां पे हम देते हैं आई कॉमा डी डी इन बार डी। और यहां पे कंडीशन है आई ऊपर एक के भी ले लेते हैं कि डिम के एज ए इंटीजर और यहां देते हैं कि इफ पी इक्वल टू ये जो हमने डी लिखा है डी दैन k इक्वल टू k प्लस वन और यहां क्या होगा k प्लस वन और यहां पे एंड इफ होगा और इसका अर्थ लगेंगे कि इफ k इक्वल टू n देन रिजल्ट को प्रिंट करे n डे इक्वल टू i और यहां पे एंड इफ और आई के बाद यहां पे ये भी करना है एग्जिट फंक्शन, क्योंकि जब इसको रिजल्ट मिल गया तो आगे क्यों बढ़ेगा और फिर
नेक्स्ट अब यहां पे इक्वल एंड देन इक्वल एंड देन ठीक है गलत कर दिया था इक्वल सॉरी यहां पे सेकेंड एंड सेटर इक्वल एंड दे डेट हो गया टू एंड सेटर डेटा लेकिन डेट इन द नंबर फॉर्मेट में मुझे इसको ऐसा करना है कि नंबर फॉर्मेट में ना आए ये डेट के फॉर्मेट में आए टेक्स्ट के फॉर्मेट में आए तो क्या करेंगे ये जो हमने आई लिखा था इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं कि फॉर्मेट और यहां पे कॉमा या फॉर्मेट कर दे या एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम यहां पे एज ए डेट कर देते हैं रिजल्ट टाइप लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये नहीं पड़ा तो इसको यहां पे हमें करना है फॉर्मेट फॉर मेट लाइक एन ओपन और कॉमा डी डी स्लैश एम एन एम एम स्लैश वाई ठीक है अच्छा वाई के स्पेलिंग मिस्टेक डेट हटाना पड़ेगा मुझे कन्वर्ट कर दे रहा है ना इसलिए अब आया ठीक है लेकिन इसमें दिक्कत है कि अगर मैं सैटरडे की स्पेलिंग कर देता हूं सेट तो क्योंकि वीवीए जो है वो एग्जैक्ट मैच करता है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग हमेशा एग्जैक्ट मैच करता है तो एग्जैक्ट मैच करता है इसका मतलब है कि आपको यहां पे कुछ ऐसा डालना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिव ना हो तो केस सेंसिटिव को हटाने के लिए यही कर रहा है ना कि पी और डी मैच कर रहा है तो इन दोनों को मैं यू केस में कन्वर्ट कर देता हूं ध्यान रखिएगा आगे चल के वीवी लुक का बगड़ा भी आपने जो लास्ट एग्जाम्पल देखे थे उस पर ध्यान रखिएगा यू केस लाइक ओपन एंड क्लोज ठीक है तो इस माइक्रो में कोई डाउट है आपको नहीं है सर एक माइक्रो उन्होंने भेजा है अभी चैट देख रहा था मैं तो एक माइक्रो है इनका संदीप मकवाना जी का देखते इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको ये दो बार कॉपी कर रखा है एक ही एक ही एक ही दो बार कॉपी पेस्ट कर दिया ना क्या दिक्कत है इसमें सर ईयर निकालना चाहते हैं डेट से ईयर निकाल मैं नहीं हाँ ईयर निकालना चाहते हैं डेट से हाँ सही तो है इसमें डेट पार्ट के अंदर में क्या होता है कि इसमें इंटरवल और डेट सही तो है और यहां पे जो आपने वेरिएंट लिया है आपको जब पता है कि आपका डेट है तो सबसे पहले यहां पे हम वेरिएंट क्यों लेंगे यहां पे डेट लेंगे क्या और यहां वेरिएंट हो सकता है
तो इक्वल हम यहां पे करते हैं, और क्या फॉर्मूला का नाम था, डीटीआर, जीरो आ रहा है। हाँ, इसलिए कि हमने डीटीआर पे कोई असाइन ही नहीं किया ना, हमें असाइन करना पड़ेगा ना, इक्वल टू डी, तब रिजल्ट आएगा। आ गया। ऐसे आप इतना का डेट पार्ट के जगह पे आप ईयर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि तो ईयर का फॉर्मूला भी वीवीए को सपोर्ट करता है। अच्छा अच्छा ठीक है संदीप जी, तो डेट पार्ट का जवाब आप ईयर का भी लगा सकते हो। डेट पार्ट का यूज कब करते हैं, जैसे क्वार्टर निकालना होता है या वीक निकालना होता है उनके लिए, क्योंकि हमारे पास डे मंथ और ईयर के लिए तो फॉर्मूला है, क्वार्टर के लिए भी नहीं है, वीक के लिए भी नहीं है, डे के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो कमलेश जी, कुलदीप जी, कुछ और फॉर्मूले आप लोग बनाइए, आप लोग कुछ फॉर्मूला बना के मुझे भेज नहीं रहे हैं, कुछ फॉर्मूला बना के भेजिए। संदीप मकमारा जी, मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको। तो कुछ फॉर्मूला बनाइए और मुझे भेजिए, लिंक मैंने आपको भेज दिया है, एक कोड कोर्स को देखिए और कुछ बनाइए और भेजिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या समझ रहे हैं आप, ठीक है। कल हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले पे, कुछ और फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे।